जय माता दी दोस्तों। ऐसी औरतें गरीब को भी राजा बना देती हैं। शादी वो पवित्र बंधन है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। कहते हैं यदि दोनों में से किसी एक के भी जीवन में कोई परेशानी हो तो दूसरे पर भी इसका असर जरूर पड़ता है। लेकिन लड़की का भाग्य शादी के बाद उसके पति के भाग्य के साथ जुड़ जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि पत्नी जो भी कार्य करती है या जो कहती है उसका असर पति के जीवन पर भी पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार जो पत्नी अपने पति के जीवन में सौभाग्य लेकर आती है उसे भाग्यशाली कहा जाता है। आज हम आपको महिलाओं के उन गुणों के बारे में बताएंगे जो गुण यदि किसी महिला में होते हैं तो उसके पति का भाग्य चमकने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान की पूजा करना। कहा जाता है कि जो स्त्री सच्चे मन से रोजाना भगवान की पूजा करती है उस घर पर कभी दरिद्रता नहीं रहती, बल्कि उस महिला का पति हमेशा धनवान रहता है। क्योंकि जिस घर में सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना की जाती है तो वहाँ माँ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। मीठा बोलने वाली महिला। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्रियां हमेशा मीठा बोलती हों, किसी से भी ऊंची आवाज में बात ना करती हों, ना ही किसी पर क्रोध करती हों, तो उसे लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। घर के कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने वाली महिलाओं को सौभाग्यशाली माना गया है। ऐसी महिलाएं जिस घर या व्यक्ति के जीवन में आती हैं उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसी महिलाएं रंक को भी राजा बनाने में सफल होती हैं। दूसरों की सेवा करने वाली महिला। जो स्त्रियां पराया दुख देखकर दुखी होती हैं और उसकी हर संभव मदद करने वाली होती हैं, कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। कहा जाता है कि कभी भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। दान पुण्य के कार्य करने वाली महिलाओं के घर कभी गरीबी नहीं आती और उनके पति को धन लाभ होता है। अतिथि का आदर सत्कार करने वाली महिला। अतिथि देवो भवो की कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जी हाँ, जिस घर की महिलाएं हमेशा घर आए अतिथियों का आदर सत्कार करती हैं और उनके साथ उचित व्यवहार करती हैं, तो ऐसी महिलाएं देवी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती हैं और इनके घर की हमेशा उन्नति के साथ ही इनके पति का जीवन खुशियों से भरा होता है। तो दोस्तों, जाना आपने, ऐसी औरतें गरीब को भी राजा बना देती हैं।